तो हम हैं अभी गौर बिज पार्क पे, और मैं आपको बता दूं कि मैंने एक ऑफिस लिया हुआ है गौर सिटी सेंटर में, जो कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है। तो यहाँ हम उसी के लिए आए थे, कुछ ऑफिस वर्क था वो कंप्लीट करना था। अब चलते हैं यहाँ से गौर सिटी सेंटर, आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं यहाँ पे बीकानेर वाला, और यहाँ पे गौर बिज पार्क में ही है ये, और इसका मैं आपको दिखा देता हूँ मेनू। टेस्ट काफ़ी अच्छा था इसका, तो ओवरऑल टेस्ट बढ़िया था। आप ये देख सकते हैं, रेट्स भी रीजनेबल हैं, ठीक हैं। आप चलिए, चलते हैं। और हम लोग यहाँ से अभी आपको दिखाएंगे, आज ये गॉड बेस पार्क है। अभी हम लोग हैं गाजियाबाद में, और इधर हमारा मेरठ एक्सप्रेसवे है, और अभी हम चल रहे हैं अपनी गाड़ी से, चलेंगे यहाँ से ग्रेटर नोएडा वेस्ट गॉड चौक, गॉड सिटी सेंटर की तरफ चलते हैं, और पूरी जर्नी आपको दिखाते हैं साथ में। आइए चलते हैं। फ्रेंड्स, ये गॉड बेस पार्क है, ये देख सकते हैं गाजियाबाद में, और यहीं पे ये बीकानेर वाला है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे खाना काफ़ी टेस्टी है, यहाँ पे अगर आप आना तो यहाँ खा सकते हैं आके। ये गाजियाबाद का है, और हम लोग चलेंगे यहाँ से ग्रेटर नोएडा। तो ये देख सकते हैं, यहाँ से राइट में दिल्ली है, इधर की साइड में दिल्ली है, और इधर अपना गाजियाबाद मेरठ की तरफ आप जा सकते हैं। ये देखिए, आगे से यू टर्न लेके दिल्ली के लिए हम लोग यहाँ से चल रहे हैं अभी गॉड चौक की तरफ। तो पूरी जर्नी आपको दिखाते हैं, पूरा रास्ता गॉड सिटी सेंटर, जो हमारा चार मूर्ति चौक है, उधर की तरफ चल रहे हैं। और ये पीछे आनंद विहार दिल्ली की तरफ से बसेज आ रही है, देखिए। और अभी हम चलेंगे यहाँ से स्ट्रेट, ये अपना यूपी रोडवेज की लोनी डिपो के पास है, जो कि दिल्ली रामनगर जा रहे हैं उत्तराखंड। और इस तरफ है हमारा गौर बेस पार्क, जो कि हेड ऑफिस है गौर सिटी का। अगर आपको रजिस्ट्री करानी है कुछ भी गौर से, गौर सन्स में अगर आपने कुछ भी लिया है कहीं भी किसी प्रॉपर्टी में, तो यहीं पे होता है सारा काम। अब यहाँ से चलेंगे राइट साइड में, अभी तो गाजियाबाद में ही चल रहे हैं हम लोग, और आगे इंदिरापुरम के लिए एग्जिट है, हम लोग स्ट्रेट चलेंगे यहाँ से। फ्रेंड्स, अभी हम लोग चल रहे हैं, ये देखिए मैप हमने लगा लिया यहाँ पर, और अभी ये जो उधर अंदर वाली जो रोड दिख रही है, ये हमारा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, और ये NH9 है जिसमें हम लोग चल रहे हैं, जो पहले NH24 था। और लेफ्ट साइड में ये देखिए आम्रपाली विलेज टाउनशिप है, और इधर गौर्स की टाउनशिप है दूसरी, और सामने आप देख सकते हैं वो ऑफिस स्क्वायर बिल्डिंग, वो नोएडा के हैं। अभी हम लोग अभी चल रहे हैं अपनी ये वाली सेल में, तो अभी टोटल जो डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर है, और मैंने आपको दिखाया था हम लोग 4:20 पे लगभग निकले हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, नोएडा का अपना ये एरिक्सन का और टेक महिंद्रा का ऑफिस है, सेक्टर 63 या 62 में पड़ता है, और ये पूरा बिजनेस पार्क है यहाँ पे, तो काफी सारे कमर्शियल ऑफिसेज यहाँ पे हैं, और वो ऑफिस स्क्वायर की बिल्डिंग है जो नोएडा अपना इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाला जो मेट्रो स्टेशन है उसी के पास पड़ता है। तो अब यहाँ से अगर नोएडा के लिए आपको एग्जिट लेना है तो लेफ्ट जाएंगे, क्योंकि हमें ग्रेटर नोएडा जाना है, तो हम लोग स्ट्रेट चलेंगे आगे से, और नोएडा के लिए आप यहीं से एग्जिट ले सकते हैं। और ये पॉइंट अभी मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, ये जो पॉइंट है यहाँ पे बसेस, अगर आपको लखनऊ के लिए, बरेली के लिए, मुरादाबाद, नैनीताल के लिए बसेस, देहरादून के लिए भी पकड़ना है, तो यहाँ से आप इस पॉइंट से आप बसेस पकड़ सकते हैं, और आप यहाँ पे बोर्ड कर सकते हैं। मैंने आपको दिखाया था अपनी नैनीताल ट्रिप में, मैंने यहीं पे बोर्ड किया था किसी जगह। तो ये 62 है, नोएडा 62 का बोर्डिंग पॉइंट है। तो अभी हम लोग आगे चलेंगे, 62 का एग्जिट भी आ गया। तो ये अपना इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए एग्जिट है, यहाँ से आप जा सकते हैं, नीचे से घूम के रोड उधर चली जाएगी, हम लोग बड़े स्ट्रेट चलेंगे। यहाँ से हमारी मेट्रो भी स्टार्ट होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्टेशन है, और अभी हम लोग फिलहाल स्ट्रेट चल रहे हैं, NH24 जो पुराना था अब NH9 हो चुका है, उसी पे चल रहे हैं, एंड आगे से हम ग्रेटर नोएडा के लिए एग्जिट लेंगे। अच्छा, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरठ वाले में
मेरठ एक्सप्रेस वे में स्पीड मीटर लगा हुआ है, बट हम लोग बाहर चल रहे हैं तो इधर नहीं। और आगे अभी हमें 1.2 किलोमीटर्स के बाद एग्जिट लेना है इस हाईवे से। यहाँ पे भी एक बोर्डिंग और ड्रॉपिंग पॉइंट है, ये देख सकते हैं यहाँ पे SJM हॉस्पिटल के पास। ये स्ट्रेट अगर आपको होम्स परथला की तरफ जाना है या नोएडा में जाना है तो यहाँ पे भी आप मतलब उसको बोर्डिंग और डिबोर्डिंग कर सकते हैं बस से। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमको एग्जिट लेना है ताज हाईवे वाला, अगर ग्रेटर नोएडा आपको जाना है गौर चौक की तरफ। और ये स्ट्रेट अगर जाएंगे तो हापुड़ की तरफ जा सकते हैं, मेरठ और ये सब कॉमन है अभी रास्ता आगे से। और हम लोग यहाँ से एग्जिट ले लेंगे नोएडा सेक्टर 62 और ताज हाईवे वाला, तो हम थोड़ा आगे से होके आएंगे इसमें। और इधर देख सकते हैं गाजियाबाद में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स काफ़ी चल रहे हैं रियल इस्टेट वाले। ये भी गॉड्स का ही दिखा रहे, गॉड्स का ही है। अब इधर सिद्धार्थ विहार के लिए लेफ्ट जाना है, हम लोग आगे से राइट हो जाएंगे, हमें स्ट्रेट चलना है फिलहाल। अभी तो छजारसी के लिए भी आप यू टर्न ले सकते हैं, हम लोग स्ट्रेट चलेंगे। तो ये फ्रेंड्स यहाँ से वैसे तो हमको स्ट्रेट चलना था, बट क्योंकि आगे आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग है, तो हम यहाँ से लेफ्ट लेके फिर यू टर्न लेके आएंगे, जाना स्ट्रेट ही है यहाँ से हमको। थोड़ा सा हम अंदर ये मोहन नगर वाली तरफ अंदर चल के फिर वापस आएंगे। और ये आई थिंक फ्रेंड्स अपनी पुरानी वाली रोड है, क्योंकि आप देख सकते हैं 222 देहरादून लिखा हुआ है। और हम यहाँ से यू टर्न ले लेंगे, पहला यू टर्न जो है तो स्ट्रेट जाएंगे तो मोहन नगर की तरफ जा सकते हैं। ये पुरानी रोड है अपनी जो मेरठ वाली। और फिर हम मेरठ एक्सप्रेसवे की तरफ NH9 की तरफ चलते हैं। अब चलेंगे यहाँ से हापुड़ की तरफ लेफ्ट में, और आगे से फिर यू टर्न लेना है अपना जो ग्रेटर नोएडा के लिए। तो जब आप यहाँ पे मुड़ जाएंगे दोबारा रोड पे, पहला जो यू टर्न है उसमें नहीं लेना, इसके बाद वाले यू टर्न में हमको लेना, क्योंकि हमें जाना है ताज हाईवे पे। देखिए एक यहाँ से जा रहा है, एक इसके बाद। ये फ्रेंड्स हमारा जो नोएडा एक्सटेंशन का यू टर्न है, ये देखिए नोएडा एक्सटेंशन ग्रेटर नोएडा के लिए यू टर्न लिखा है, हम यही वाला यू टर्न लेंगे आगे से। और इस बोर्ड के बाद 280 मीटर्स और हैं, तो यहाँ से फ्रेंड्स हमने यू टर्न ले लिया अंदर, और वापस दिल्ली की तरफ थोड़ा सा चलना है, और आगे से फिर लेफ्ट हो जाएंगे गौर सिटी के लिए, गौर सिटी सेंटर के लिए। पहले गौर सिटी 2 पड़ेगा फिर 1 इधर से अगर आप जाते हैं। तो यहाँ से हमको लेफ्ट लेंगे हम लोग ताज हाईवे के लिए, स्ट्रेट जाएंगे तो दिल्ली नोएडा की तरफ जा सकते हैं, हम लोग यहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे। और इसी रोड को हम लोग ताज मतलब ताज हाईवे बोला जाता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं आगे का डिस्टेंस भी लिखा है, जेवर यहाँ से 69 है, परी चौक 28 किलोमीटर से। इधर से झांसी की तरफ भी जा सकते हैं, मतलब वही यमुना एक्सप्रेस वे की तरफ से आप कहीं भी जाना चाहें तो जा सकते हैं आगे। यहाँ पे हमारा गाजियाबाद का लास्ट चौराहा है ये, और इसके बाद हमारा ग्रेटर नोएडा स्टार्ट हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। ये अपना गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, जैसे क्रॉस करेंगे इसके बाद अपना गौतम बुद्ध नगर स्टार्ट हो जाएगा, जो कि ग्रेटर नोएडा का कंबाइंड डिस्ट्रिक्ट है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा गेट बना हुआ है, ये इसका वेलकम टू ग्रेटर नोएडा। और यहाँ से गौतम बुद्ध नगर स्टार्ट हो जाता है, और गाजियाबाद से हम लोग बाहर निकल गए। और जैसे कि आप एंटर करेंगे सामने आपको गौर्स दिख जाएगा। एक्चुअली अगर आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट आ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आपको गौर की कोई भी बिल्डिंग ना दिखे ऐसा बहुत पॉसिबल नहीं है। तो इधर से हम लोग सूरजपुर की तरफ भी जाते हैं, स्ट्रेट एकदम जाएंगे तो परी चौक जा सकते हैं, बट एकदम आगे जो चार मूर्ति चौराहा है हमें वहीं तक चलना है अभी। तो फ्रेंड्स हम लोग फाइनली गौर सिटी के पास पहुंच गए, और ये हमारा गौर सिटी सेकंड एवेन्यू है, ये देख सकते हैं गौर सिटी सेकंड
और सामने काफी बड़ा सा देख सकते हैं बिल्डिंग बनी हुई है, मॉल है, और पीछे रिजॉर्ट मतलब आपके फ्लैट्स हैं। ये हमारा 14th एवेन्यू की मार्केट है, इसके बाद पेट्रोल पंप पड़ता है और यहाँ पे भी CNG है। तो अभी हम आगे चलेंगे गौर सिटी वन की तरफ एंड देन अपना चार मूर्ति चौक जो है, तो जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पे बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखाई पड़ेगी पूरी। और भी एक दो सोसाइटीज पड़ती हैं, जैसे पाम ओलंपिया, एक्जोटिका ड्रीम विले, और ये गौर तो है ही है पूरा। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो वहां पे गौर सिटी वन स्टार्ट हो जाएगा, और ये आई थिंक वन ही है पूरा, ये बैक साइड इसका जो पीछे वाली जो रोड है। इस रोड के बाद फ्रेंड्स आपको ये देखिए गौर सिटी वन स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से गौर इंटरनेशनल स्कूल, इधर से लेफ्ट जा सकते हैं आप। हम लोग स्ट्रेट चलेंगे आगे गौर सिटी सेंटर के लिए। ये गैलेक्सी प्लाजा है यहाँ पे, और ये अपना मेन गौर सिटी वन का गेट है इस साइड से, इधर से आप अंदर जा सकते हैं। फर्स्ट से फोर्थ एवेन्यू फिफ्थ सिक्स सब इधर ही है इसी साइड में। ये देख सकते हैं यहाँ पे द गौर सरोवर प्रीमियर होटल है, और इसके बाद अपना जो इनका जो गौर का यहाँ पे सबसे आगे वाला एवेन्यू है 7th एवेन्यू। तो ये गौर सिटी 7th एवेन्यू है, यहाँ पे भी मार्केट काफ़ी अच्छी है। तो ये अपना एंट्रेंस है, और यहीं से अभी हम लोग भी सर्विस लेन पे हो जाएंगे, क्योंकि हमें चार मूर्ति चौक से पहले ही सामने आप देख सकते हैं वो है, वहाँ पे जाना है गौर सिटी सेंटर, और क्यों जाना है वो बाद में हम आपको बताएंगे आगे वीडियो में। ये अपना आरजा स्क्वायर है, यहाँ पे भी बहुत सारी शॉप्स हैं, आरजा स्क्वायर 1 और 2। आरजा स्क्वायर 7th एवेन्यू से लगा हुआ है बिल्कुल, तो यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ी मार्केट मिल जाती है। बस हम लोग पहुंच गए हैं गौर सिटी सेंटर, जहाँ पे हम लोग आज का डेस्टिनेशन है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे एक और आपको मैं दिखा देता हूँ, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा यहाँ पे, और ये देख सकते हैं हम आगे चलेंगे यहाँ से और एंटर करेंगे गौर सिटी सेंटर। ये आगे जो चौराहा है ये हमारा चार मूर्ति चौक है। तो फ्रेंड्स हम लोग चार मूर्ति चौक पहुंच गए, और वो चार मूर्ति आप देख सकते हैं, ये है चार मूर्ति खड़ी, चार मूर्ति गौतम बुद्ध जी की, और ये अपना गौर सिटी सेंटर इस तरफ, काफी बढ़िया लगता है। और यहाँ लिखा हुआ आई लव गौर सिटी, क्योंकि आजकल हर जगह पूरा ट्रेंड हो गया है। और वो सामने भी एक और आप देख सकते हैं गौड़ का, ये हमारा गौड़ सौंदर्य में काफी प्रीमियम है ये भी सोसाइटी। ये अपनी नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड है, नोएडा ग्रेटर नोएडा वेस्ट लिंक रोड। बस अब इसके आगे मॉल भी है गौर सिटी मॉल इधर इस साइड में, बट हम लोग पहले ही चलेंगे पार्क करेंगे गाड़ी को। और तो वीडियो को फ्रेंड्स यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा। ऐसे ही दिल्ली और नोएडा के ऊपर और बहुत सारे ब्लॉग्स हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड